भाई मेरी इस कार से बहुत फटती है, मैं सच बता रहा हूँ। पोलो, फॉक्सवैगन पोलो भाई, बहुत गंदी भागती है कार, बहुत गंदी भागती है। और ट्रस्ट में गैस, मैं अगर इसके पीछे भी लगाऊंगा ना, मैं इसको क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसका बैलेंस बहुत तगड़ा है भाई। अगर आप लोगों ने कार चलाई है तो इसका बैलेंस बहुत ही स्ट्रांग है। इवन आप 140, 150 चलाओगे तो भी आपको अंदर पता ही नहीं चलेगा कि आप 150 पे चला रहे हो। सीखो देखो कितनी तेज चला रहा है। मैं इसके पीछे भी लगाऊंगा ना गाइस, देखो तब भी मैं 140, 150 भी चलाऊंगा तो भी मैं उसको आगे, इससे आगे नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि आई डोंट नो यार, मेरे माइंड में पोलो को लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ यार। पोलो बहुत तगड़ी गाड़ी है एक्चुअली। सी देखो, लेट्स ट्राई। अगर देखो मैं उसको कैच भी करता हूँ बट वो ऐसे ही भगा के ले जाएगा पूरे रास्ते में। यहाँ 130 राइट नाउ। पोलो का बैलेंस बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा है। किया सेल्टोस माय फेवरेट कार। जी पोलो का पिकअप बहुत तगड़ा है यार, पिकअप बहुत तगड़ा है इस कार का। इस कार का हाईवे पे जो है, जो बैलेंसिंग है, जब आप इसको भगा रहे हो 140, 50 तो 60 भी, जितना मर्जी भगा लो इस पोलो को यार, ये इस कार का बैलेंस बहुत तगड़ा है। कोई वाइब्रेशन, कोई अंदर आपको ऐसा डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा अंदर बैठ के कि आप बहुत तेज कार चला रहे हो। स्पीडिंग के मामले दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार, एक तो ये, और दूसरा हुंडई वरना जो पुराने वाली 1.6 लीटर डीजल थी, उसका भी बैलेंस बहुत सही है अंदर बैठ के। अगर आप उसको चलाते हो तो वो भी बहुत सही आपको हाईवे पे स्पीड देती है। और ऑब्वियसली भाई फिर एक्सवी 300, सो ऑलवेज देगा इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग। बहुत अच्छा राइड है इसका भी। भाई ने लेकिन धीरे क्यों करी कार, क्या रीजन है धीरे करने का? पुलिस चेकिंग तो नहीं कर रही कहीं पे? ये देखो भाई ने सांप बना दिया कार का ना यार एकदम। ये देखो अगेन, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ये देखो दोबारा से सी। अरे भाई मैं भी बनाऊं क्या सांप कार का? रहने दो यार, कार ही रहने दो, उसको सांप बनाने की जरूरत नहीं। अरे नैनो जी साइड में कर लो यार। ऑलवेज ड्राइव ऑन द लेफ्ट शोल्डर इफ यू आर ड्राइविंग ऑन अ कॉन्स्टेंट स्पीड, अगर आप धीरे चला रहे हो तो। भाई यू आर ड्राइविंग इन द मिडल ऑफ द रोड नैनो, दैट्स रॉन्ग ना। ओ ओ ओ ओ, ये क्या हो गया? स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट डिजायर बहुत है यार हम लोगों की, कम करनी पड़ेगी अदरवाइज तो। अरे कहाँ गई पोलो, चली गई क्या? भी नहीं रही यार, पता नहीं कहाँ ले गया लड़का, भगा गया ना उसको। पोलो लॉस्ट यार, पोलो लॉस्ट समवेयर, दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई यार। एक बार मिल जाए तो भाई, एक बार आप लोगों को दिखा दूँ कहाँ पे है पोलो, उसके बाद में देन आई स्टॉप, देन आई एंड माय वीडियो। और मेरे को लगता नहीं भाई कि मैं आपको उसको दिखा पाऊंगा, शायद जिस तरीके से भाई भगा रहा है ना, 150 इसकी स्पीड थी कम से कम। ओ पोलो मेरे पीछे रह गई, हाउ इट पॉसिबल, मैंने कब इसको ओवरटेक किया यार? हियर इट इज, मेरे को पता भी नहीं, मैं इसको आगे ढूंढ रहा हूँ, पोलो कहाँ चली गई, दिख नहीं रही है, और ये मेरे पीछे थी। ओ वाओ एक्सयूवी, यू आर ग्रेट कार, पता ही नहीं चला बातों बातों में कब तुमने पोलो को पीछे कर दिया यार। भाई ये वही पोलो है दूसरी, मेरे को नहीं पता, वही पोलो है। वाओ एक्सयूवी, यू आर आउटस्टैंडिंग,
आई वॉज अप्रिशिएटिंग पोलोज फीचर्स की बहुत अच्छी कार है और तुमने बातें ही बातें उसको पीछे भी कर दिया यार। ग्रेट सी देखो भाई, इसको बोलते हैं हैंड्स को बोलते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार XUV 300। बातों बातों में पता नहीं चला यार हमने कब पोलो को पीछे कर दिया। कंफर्ट, हैंडलिंग, ड्राइविंग,